हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनसरकारी। टुडे वी आर कंटिन्यूइंग विद द सीरीज ऑफ डिस्कसिंग आईएफओएस पेपर। वी हैड डन आईएफओएस पेपर 2023, नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स आईएसओ आईएफओएस पेपर 2022। वी हैव ऑलरेडी डिस्कस फोर फाइव एंड सिक्स पार्ट एंड वी आर कंटिन्यूइंग विद नाउ थर्ड पार्ट। इट हैज़ फोर क्वेश्चन। फर्स्ट वन इज अ कॉन्टिनेंटल साइज पॉलिटी कार्व्ड आउट ऑफ द सोशो कल्चर एंड एथनो जोग्राफी डाइवर्सिटी इज बेस्ट गवर्न्ड एंड स्ट्रेंथन बाई द प्रैक्टिस ऑफ फेडरलिज्म। प्रवेश, हाँ, तो क्वेश्चन हमारे से बेसिकली फेडरलिज्म के ऊपर पूछ रहा है, लेकिन उसने थोड़ा हमें एक हिस्टोरिकल एविडेंस दिया है, मतलब कि कॉन्टिनेंटल साइज पॉलिटी, यानी इंडिया की बात हो रही है, अपने आप में एक सब कॉन्टिनेंट माना जाता है। कार्व्ड आउट सोशो कल्चरल और एथनो जियोग्राफिक डाइवर्सिटीज। तो पहले हम ये बता देंगे कि सोशो कल्चरल डाइवर्सिटीज कौन कौन सी थी जिनसे कार्व्ड हुआ, फिर एथनो जियोग्राफिक, फिर स्ट्रेंथन कैसे हुआ फेडरलिज्म, एक्सप्लेन। तो बताओ पहला कैसे सोशो लिखोगे इसको। कल्चरल, हाँ, तो सोशो कल्चरल में सबसे पहले बताएंगे कि डिफरेंट कास्ट, लैंग्वेज, रिलीजन, इनकी ग्रुपिंग है, डिफरेंट एथनिसिटी की बात हो गई, उसमें एग्जांपल दे देंगे, द्रविड़ियन हो गया और रिलीजन, लिंग्विस्टिक, जाति, लिंग्विस्टिक, कास्ट हो गया और क्लास भी हो सकता इसमें आ जाएगा एथनो ज्योग्राफी, है। हाँ, द्रविड़ियन और आर्यन का। इंडो आर्यन, द्रविड़ियन, हाँ, उसके बाद नॉर्थ ईस्ट की फिर भी बात हो नॉर्थ गई, ईस्ट तो का आ इंडो गया। बर्मन। तो इसको करने के लिए प्रिंसिपल ऑफ प्रैक्टिस ऑफ फेडरिज्म कैसे किया गया, जो तो डिवीजन है, ये डिवीजन एक तरह से बताएंगे कि ये डिवीजन है लेकिन ये डाइवर्सिटी बताता है, ये प्लूरलिज्म है इंडिया का, ये स्पिरिट और ऑफ एक सेकेंड, स्पिरिट ऑफ अकोमोडेशन है, ये दर्शाता है। और ये कैसे स्ट्रेंथन हुआ, तो प्रैक्टिस ऑफ फेडरलिज्म से कैसे, आप बताओ प्रवेश। हाँ, तो ये प्रैक्टिस, इसमें एक वाली टॉलरेशन की भी आ जाती है ऊपर, हाँ, एसिमिलेशन और टॉलरेशन। एसिमिलेशन नहीं है वर्ड, ठीक। एसिमिलेशन होता ठीक है है, मतलब कि जो दो कल्चर है, ए एंड बी है, ठीक है, ए और बी में अगर एसिमिलेट हो जाएंगे मतलब इसका अपना आइडेंटिटी मिक्स हो लॉस हो गए। जाएगा। हाँ, तो इंटीग्रेशन सही वर्ड होता है इसमें, ठीक है। ठीक है, तो तो प्रैक्टिस ऑफ डाइवर्सिटी, प्लूरलिज्म, फेडरलिज्म अकोमोडेशन। बताएंगे। क्वासी फेडरल है, तो हाँ क्वासी फेडरल हमारे यहाँ दो तरीके से, उसमें दो डिवीजन है, एक कॉम्पिटेटिव और एक कोऑपरेटिव। तो कोऑपरेटिव की बात है, वो 1950 से शुरू हुआ, कॉम्पिटेटिव पोस्ट लिबरलाइजेशन रिफॉर्म के बाद आया। इसमें बताएंगे कि किस तरीके से जो रीजनल कोऑपरेटिव, एक डाइवर्सिटी सेकेंड, है। एग्जांपल, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म और कॉम्पिटेटिव फेडरलिज्म। तो पहली हाँ बात है कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, बात करेंगे कैसे कोऑपरेशन होता है बिटवीन द सेवरल रीजन स्टेट। तो कोऑपरेटिव का पहला एग्जांपल अगर हो जाएगा तो यहाँ पर हो जाएगा नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, नीति आयोग, फाइनेंस फाइनेंस कमीशन, इंटरस्टेट कमीशन, ठीक है, जीएसटी काउंसिल, ये सब है काउंसिल, इंटरस्टेट कोऑपरेटिव। काउंसिल, वो तो स्पेसिफिक किसी के लिए। ठीक हाँ, इंटर स्टेट काउंसिल, इंटर स्टेट काउंसिल, ये कोऑपरेट मतलब कोऑपरेट कर रहा है आपस में, स्टेट, सिटीज, स्टेट्स और फेडरलिज्म, ये सब कॉम्पिटेटिव हो जाएगा। रैंकिंग, रैंकिंग निकलता है नीति आयोग की तरफ से, तो कॉम्पिटेटिव हो गया। फिर फाइनेंस कमीशन के अंदर ग्रांट्स के ऊपर कॉम्पिटिशन होता है, रिजर्वेशन है, कॉम्पिटिशन है कि मेरे को लोकल्स को रिजर्वेशन देना है, वो सब कॉम्पिटिशन हुआ। तो ये सबको पूरा फुलफिल करने के लिए पैसा आया। फिर सिक्स शेड्यूल है, फिर आर्टिकल 28 के अंदर हमें लिंग्विस्टिक और 26 के अंदर रीजन का, रिलीजन का दिया हुआ है यहाँ पर सेफ गार्ड, है ना। ठीक बात है। और लास्ट में बताएं कि और इंडिया का इसमें जो इसमें थोड़ा जुडिशरी की भी बात करेंगे, वो की हाँ यूनिफॉर्म कॉन्स्टिट्यूशन, जुडिशरी है। हाँ हाँ मोरालिटी, उसके हिसाब से जो एक ओवरऑल स्ट्रक्चर बनता है इंडिया का, वो एक बैलेंस्ड व्यू है और इंटीग्रेटिव अप्रोच है, इंटीग्रेट करने में कॉमन आता है, इंटीग्रेशन को बढ़ावा देता है राधर देन डिस्ट्रक्शन। तो ये पता है कि वास्ट कॉन्टिनेंटल है मतलब इंडिया सब कॉन्टिनेंट बहुत बड़ा है, उसके अंदर में सोशियो कल्चर एथनो जोग्राफी डाइवर्सिटी है जो बता दी हमने, ऐसे दोनों।
इज बेस्ट गवर्न बाय स्ट्रेंथन बाय प्रिंसिपल ऑफ प्रैक्टिस ऑफ फेडरलिज्म। फेडरलिज्म है, फेडरलिज्म के अंदर मैं दो बताया मैंने, कोऑपरेटिव कॉम्पिटिटिव कैसे होता है, तो ये बता दिया दो तरीके से। और दूसरा तरीका है कि पैसा ऑटोनॉमस, ऑटोनॉमी दिया जाता है उसको, थोड़ा रिस्पेक्ट किया जाता है लोकल कस्टम को, रिस्पेक्ट किया जाता है, तो उसके अगेंस्ट, तो इसका एग्जाम्पल हो गया पूरा नीचे से, 6th शेड्यूल, पैसा, आर्टिकल 26, 28, रिलीजन और लिंग्विस्टिक सेफ गार्ड। ये आप बताते हैं बी, पढ़ो प्रवेश। तो हाउ डू कोलिशन गवर्नमेंट्स बीइंग फॉर्मड आफ्टर फियर्सली कंटेस्टेड इलेक्शंस ऑन डायमेट्रिकली अपोज्ड पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज स्ट्रेंथन एंड डीपन डेमोक्रेसी इन इंडिया। तो ये क्वेश्चन मांग रहा है कि कोलिशन गवर्नमेंट का आप थोड़ा सा इवोल्यूशन बता दीजिए, किस तरीके से हुआ है, और उसके बाद वो डिफरेंट उनकी आइडियोलॉजीज होती हैं लेकिन तब भी वो कोलिशन बनता है, और किस तरीके से ना डेमोक्रेसी को डीपन करता है। तो कोलिशन गवर्नमेंट हमारे यहाँ दो वेव में आया, एक 1967 के बाद आया, 1977 के बाद आया, और एक बेसिकली 1990s के बाद देखने को मिला। तो दो तरीके से कोलिशन गवर्नमेंट आया, और इसमें हम देखेंगे कि आइडियोलॉजीज का डिफरेंस था। तो पहले तो एंटी कांग्रेस वेव का हम एग्जाम्पल डाल सकते हैं इसके अंदर, रिप्लेसिंग द मेजोरिटेरियन तो पार्टी सिस्टम। हाँ, तो पहला बताएंगे और इस जो स्ट्रेंथन हाँ कैसे किया, तो लोकल आइडेंटिटी, लोकल एस्पिरेशन को बढ़ावा दिया गया उन, तभी जा करके ना 1978, 1990s के बाद में तो बैकवर्ड क्लास कमीशन आया, और फिर ये भी आया 73rd और 74th अमेंडमेंट एक्ट आया, उसके बाद ही तो आया, कोलिशन के समय तो आया, ये सब चीज़ पहले हाँ ठीक नहीं बात है ना। है। फिर दूसरा चीज़ हो गया कि जो लोकल लैंग्वेज है, लोकल लैंग्वेज उसको बढ़ावा आप दिया लिख सेफ। सकते हो कि रीजनल रीजनल एस्पिरेशंस या रीजनल डिमांड्स हैं उनका मेन कोर पॉलिटिक्स में इंटीग्रेशन हुआ। तीसरा प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन आया। हाँ सही बात, प्रोपोर्शनल मतलब कि हर एक जगह का रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए, हर एक जाति का रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए, हर एक स्टेट का रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए सेंटर में। तो बफर, माइनॉरिटी सेक्शन का ये एक्ट एज अ बफर, एक्ट एज अ बफर टू सेंट्रलाइजेशन टेंडेंसी। कोई भी पार्टी सेंट्रलाइजेशन होता है, वो सेंट्रलाइज हेजेमनी बोल सकते हैं, टेंडेंसी बोल सकते, दोनों बोल सकते हैं, वो चाहता है कि हर चीज़ मेरे साथ ही चले, कोई भी कांग्रेस रहे या बीजेपी रहे सेंटर में, वो चाहता है कि सबको सेंट्रलाइजेशन हो। तो जो लोकल गवर्नमेंट और कोलिशन पॉलिटिक्स में क्या फ़ायदा हुआ कि बफर एक्ट किया, तो सिटीजन के बीच में वो डिफरेंस था, सिटीजन और पॉलिटिकल क्लास के बीच में डिफरेंस वो कम हुआ, ग्रास रूट लोग तक पहुंचे, डिसेंट्रलाइजेशन हुआ। तो डिसेंट्रलाइज बता दिया यहाँ पर, 73rd, 74 अमेंडमेंट एक्ट, पैसा भी उसी समय आया है, तो ये सब है। तो स्ट्रेंथन हाँ डीपर तो डेमोक्रेसी, तो मतलब डीपर मतलब क्या होता है कि ग्रास रूट लेवल तक पहुंचा है। स्ट्रेंथन मतलब क्या हुआ कि सेपरेशन ऑफ पावर को स्ट्रेंथन किया, सेपरेशन ऑफ पावर, जुडिशरी को अपहोल्ड किया, जुडिशियल इंडिपेंडेंसी को, सेंट्रलाइजेशन टेंडेंसी को कम किया, इसको बोलते हैं स्ट्रेंथन। एक चेक्स एंड बैलेंसेस था ऑन बिग पार्टीज, तो ग्रास रूट लेवल बढ़ाया गया, तो ये डीपर एंड स्ट्रेंथन होगा, इसी का अराउंड ही लिखना एग्जाम्पल। ओके प्रवेश, हाँ सही है। तो अब आते हैं तीसरा क्वेश्चन में सी, पढ़ो। व्हाई इज इंडियन सेक्युलरिज्म रिगार्डेड एज एन एग्जेम्पलरी मॉडल ऑफ इंटरफेथ को एग्जिस्टेंस एंड पीस। तो यहाँ पर सबसे जो इंपॉर्टेंट की इम्पोर्टेंट वर्ड वर्ड है है, वो है एग्जेम्पलरी, हाँ, तो ये इंटरफेथ डायरेक्शन को दे रहा है, एग्जिस्टेंस एंड हाँ, पीस। तो ये है डायरेक्शन, ये डायरेक्शन दे रहा है आंसर को, ये है टोन, सॉरी एक सेकेंड, ये है कीवर्ड, पीस एंड कोएग्जिस्टेंस इज अ कीवर्ड, ये हो रहा डायरेक्शन दे रहा है कि जो इंडियन सेक्युलरिज्म है वो क्यों वेस्टर्न सेक्युलरिज्म से अलग है, यो कैसे एग्जेम्पलरी मॉडल, खतरनाक मस्त मॉडल है, ऐसे बोलना चाह रहे हैं हिंदी में, ऑफ इंटरफेथ कोएग्जिस्टेंस एंड पीस। बताओ वाई, तो इस क्वेश्चन की शुरुआत करेंगे सबसे पहले कि इंडिया बिलीव इन द पॉजिटिव सेक्युलरिज्म विच सिंपली मीन्स इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम ऑल रिलीजन एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ ऑल रिलीजन। सही बात है। तो इसमें इंपॉर्टेंट वर्ड हो गया पॉजिटिव सेक्युलरिज्म।
इसका मतलब क्या होता है? इक्वल डिस्टेंस हाँ, फॉर द इक्वी रिलीजन डिस्टेंस, एंड हाँ इक्वी डिस्टेंस, इक्वल रिस्पेक्ट हाँ एंड इक्वल रिस्पेक्ट। हाँ और बताओ। इक्वली प्रमोट वर्ड भी आएगा उसी किस्में, क्योंकि इक्वली हाँ प्रमोट भी करता है तीर्थ यात्रा वगैरह, जैसे एग्जांपल है हाँ तो इसका रीजन। एग्जांपल हो जाएगा अब तीर्थ, रिस्पेक्ट में ही आ गया ना, हाँ पॉइंट से फिर हो नहीं जाएगी इक्वी पॉइंट। डिस्टेंस अलग है, इक्वली प्रमोट अलग है। इक्वी डिस्टेंस तो फिर वेस्टर्न फॉर्म ऑफ सेकुलरिज्म पे जाएंगे हम। दोनों है सचिन, सचिन इक्वी उसके रिस्पेक्ट नीचे भी है इक्वल डिस्टेंस और इक्वी जिसके एक और डिस्टेंस चीज भी है, लिखी हमने दूर भी है इक्वल और रिस्पेक्ट। पास भी है, इसलिए कोएग्जिस्टेंस एंड पीस, एंड पीस इसको कैसे प्रमोट करते हैं। बोलो दूसरा प्रश्न। वाई दूसरा, इसके अंदर में ठीक है पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन एक कॉन्सेप्ट है माइनॉरिटीज के लिए जो यूएस से समय नहीं है। रिलीजन एंड स्टेट मतलब वर्क टुगेदर। इसमें आप बोल सकते हो कि नो सेपरेशन ऑफ मतलब नो स्ट्रिक्ट सेपरेशन बिटवीन स्टेट एंड पॉल एंड रिलीजन। या इधर एड्रेस से बोलो, साइंस एंड साइंस रिलीजन एंड को। रिलीजन मतलब थोड़ा थोड़ा टेक्निकली मतलब थोड़ा वो हो गया कि हम साइंस और रिलीजन की बात कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर स्टेट अलग है और साइंस अलग है, तो नहीं साइंटिफिक मतलब क्या मुझे ऑब्जेक्टिव होता है ना, सेकुलरिज्म मतलब क्या हो गया साइंटिफिक ऑब्जेक्टिव, उसको भी आप रिलीजन इज अ वे ऑफ लाइफ है इंडिया में ना, तो एक बोल सकते हैं ना रिलीजन इज अ वे ऑफ लाइफ, जो हाँ अपना ये बोल जो सकते हो। हाँ ये सनातन धर्म अच्छा जो वे वर्ड है, ऑफ लाइफ रिलीजन इज अ वे ऑफ लाइफ इन इंडिया, तो इम्पैक्ट इन ज़्यादातर, पॉलिटिक्स आल्सो। हाँ तो इससे साइंस और रिलीजन को एग्जिस्ट करता है, ये कारण है। इसी कारण है कि डिफरेंसेस नहीं है, कि मेरे को एथिस्ट नहीं बनना है, मेरे को सबको एक इक्वल डिस्टेंस है। और जहाँ तक प्रेरणा का सवाल है वो हम लोग ले चुके हैं इसमें इक्वल डिस्टेंस वाले में, कि स्टेट और रिलीजन का जो डिफरेंसेस है वो तो दूर भी है और पास भी है, तो इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम और रिलीजन स्टेट के हिसाब से बात किया जा रहा है यहाँ पर, स्टेट के हिसाब से। फिर कोएग्जिस्टेंस में बता देंगे कि मल्टी एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टी रिलीजियस सोसाइटी, हाँ मेजॉरिटी प्लस माइनॉरिटी प्लस रिलीजियस माइनॉरिटीज हो गया हो विद गया हो गया, स्पेशल प्रोटेक्शन। ठीक सेफ गार्ड टू माइनॉरिटी में आ गया, अलग से पॉजिटिव है डिस्क्रिमिनेशन आ गया, पॉजिटिव सेक्युलरिज्म आ गया, दो चीज हो गया। ट्वेंटी और एट तक फिर लिख देते फिर आप। और डायरेक्शन भी दिया हुआ है, हाँ 28 तक, और फोकस ऑन ब्रदरहुड एंड प्लूरलिज्म, हाँ इन द फंडामेंटल राइट हाँ फंडामेंटल एफ डी, ड्यूटी ड्यूटी हाँ फंडामेंटल एफ डी। तो ये हो गया, तो को एजिस्टेंस एंड पीस, तो इसमें रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन भी दिया हुआ है। इसमें प्लूरलिज्म वर्ड लिया उसी को कैसे ले सकते हैं यहाँ पे? प्लूरिज्म मतलब क्या, सब कोई रह सकते हैं, हर कोई यहाँ पर रह सकते हैं, इसलिए प्लूरल सोसाइटी है इंडिया। हम लोग एक दूसरे से काम भी कर रहे हैं, एक दूसरे से सहायता भी कर रहे हैं, और फिर एक्सचेंज ऑफ आइडियाज भी हो रहा है, तो रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन भी है, ओके तो ये हो जाएगा बस। तो पीस में पीस भी पीस लिख दिया आपने आपने पीस वाला देखो। हाँ पीस में तो इसमें आ जाए ना, ब्रदरहुड प्लूरलिज्म पीस हाँ मतलब आप फ्रेटर्निटी। बोल सकते हो कि राइट टू पीसफुल प्रोसेशन हो गया, प्रैक्टिसिंग ऑफ रिलीजन हो गया, मतलब वो अलग टर्म है ना, तो थोड़ा एक्सप्लेन करना पड़ेगा उसको। हाँ तो इसमें माइनॉरिटी का आर्टिकल 25-26 बात कर सकते हैं, तो इंडियन सेकुलरिज्म वही उसको बताना, छोटा है वो ना इसका 200 वर्ड हाँ में। 200 वर्ड अभी लाया था, हाउ इज इंडिपेंडेंस ऑफ इंडियन जुडिशरी इंश्योर्ड इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। बोलो, तो इसमें बताएंगे कि इंडिपेंडेंट एंड यूनिफॉर्म जुडिशियल सिस्टम, सुप्रीम कोर्ट एज द फाइनल इंटरप्रेटर, उसके बाद लीगल टेस्टिमनी ऑफ दी हायर जुडिशियरी वर्डिक्ट्स, फाइनल इंटरप्रेटर और यूनिफॉर्म यूनिफॉर्म भी आएगा ना, क्या यूनिफॉर्म, हाँ यूनिफॉर्म एंड इंटीग्रेटेड इंडिपेंडेंट इंटीग्रेटेड इंटीग्रेटेड जुडिशियल। जुडिशरी, हाँ इंडिपेंडेंट जुडिशरी, सही बात है, सेपरेशन ऑफ पावर उसके भी है। बाद आप बता दो कि सेपरेशन ऑफ पावर भी हो गया और फाइनल इंटरप्रेटर और आर्टिकल कुछ कॉन्स्टिट्यूशनली। था ना, एक आर्टिकल 32 भी है, जिसमें आपके पास रेमेडीज भी है।
कॉन्स्टिट्यूशनल अटॉर्नी। हाँ वो फाइनल इंटरप्रेटर के अंदर ही आ जाता है आर्टिकल ठीक थर्टी है, टू इसमें आ जाए। उसके बाद आप लिख दो कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेटेड पावर्स एंड प्रिविलेजेस, उसको चेंज नहीं कर सकती पार्लियामेंट, एनलार्ज ही कर सकती है। हाँ कॉन्स्टिट्यूशनल इनार्जमेंट हो सकता है, पार्लियामेंट बढ़ा सकते हैं। हाँ ठीक है, सेफगार्ड ऑफ टेन्योर एंड सर्विस कंडीशन, वो भी है हाँ एनकोडेड। बाय पार्लियामेंट, पार्लियामेंट कैन नॉट रिड्यूस। सही बात है। उसके बाद आप लिख दो हाँ कि वो एविडेंस वाली बात कि लीगल टेस्टिमनी होते हैं उनको चेंज नहीं किया जा सकता, तो उससे भी ठीक है। और अपॉइंटमेंट, अपॉइंटमेंट जो होता है जजेस का, वो भी तो बोल रहे हैं ना। तो अपॉइंटमेंट एंड डिसक्वालिफिकेशन मेंशन्ड इन द प्रोसी मेंशन्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन बाय द प्रोसेस ऑफ इम्पीचमेंट। जुडिशरी के पास होता है। और थोड़ा सा इसको मैटर, अब इम्पीचमेंट का जो मैटर है, इम्पीचमेंट नहीं, जजमेंट का इम्पीच क्यों होता है? इम्पीच से प्रेसिडेंट होता है, जज को रिमूव किया जाता है। इम्पीचमेंट जज का होता है, जो नहीं सुप्रीम कोर्ट के जज होते हैं उनका इम्पीचमेंट तो होता है। रिमूव किया जाता है ना, रिमूव वर्ड है ना कि इम्पीच वर्ड है। इम्पीच आई थिंक मतलब ये देख, एक बार देखना, जहां तक इम्पीच कैन बी ओनली बी डन इम्पीच विद रिस्पेक्ट टू प्रेसिडेंट। वही सेम है, वही 2/3 चाहिए एंड टोटल एब्सोल्यूट मेजोरिटी, वो तो है ही, लेकिन वर्ड उसका देखें तो ये सब चीज़ है। और एक कंप्लीट जस्टिस का भी है ना आर्टिकल 142 के अंदर में। क्या चीज कंप्लीट जस्टिस का भी नहीं, है ना एक, आर्टिकल 142 तो बेसिकली वो है मतलब जो प्रेसिडेंट को नहीं एज अ एडवाइस एक देते और हैं। एक था ना कंप्लीट जस्टिस वो, लगती सुप्रीम कोर्ट शुड इंश्योर दैट कंप्लीट जस्टिस टेक्स प्लेस, ऐसे कुछ नेचुरल जस्टिस, कंप्लीट जस्टिस, एग्जैक्टली तो याद नहीं आ रहा है अभी, बेसिक स्ट्रक्चर भी है इसमें जो वर्ड आई एस जुडिशियल वो रिव्यू का। ठीक इम्पीचमेंट ही बोलते हैं उसे, किसको है इम्पीचमेंट ही बोलते हैं सुप्रीम कोर्ट के जजेस के रिमूवल को, स्पेशली द सीजीआई। है, इम्पीच है थोड़ा सा कॉन्स्टिट्यूशनल, तो ये हो गया। तो कौन सा कंप्लीट जस्टिस वाला है वो भी आ जाएगा एक। हो गया ना, आर्टिकल और 142 ही है उसे, हाँ बोले ना 142 है कंप्लीट वन जस्टिस। फोर्टी टू हाँ मतलब उसी के अंदर वो अपील वाली बात भी है। कंप्लीट में कि सुप्रीम कोर्ट शुड इंश्योर कि कंप्लीट जस्टिस हो सके किसी के लिए भी, तो एक अच्छा आर्टिकल 142। और कॉन्स्टिट्यूशनल इनलार्जमेंट क्या है सकता है, पावर बढ़ाया सकता है सुप्रीम कोर्ट का बाय पार्लियामेंट, घटाया नहीं आ सकता। सेफगार्ड एंड टेन्योर सैलरी है, अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस रिसाइड विद जुडिशरी, कॉलेजियम सिस्टम हो जाता है, बेसिक स्ट्रक्चर जो जुडिशियल रिव्यू से आया है, और बस ये है ना। और इसमें आवश्यक ये भी लिख सकते हैं कि जो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट वाला सीन है, तो जुडिशियल प्रिविलेजेस हैं हाँ तो उसी में आ जाएगा, तो जुडिशरी के हाँ पास फिर। ठीक तो इतना बड़ा नहीं रहेगा इसमें से, इसमें चूज करना होगा। 1971 है शायद, हाँ ठीक है ठीक है, 97। ठीक, एंड कर दे। ओके सो थैंक यू सो मच। हमने देखा कि किस तरीके से ब्रेन स्टॉर्मिंग की जा सकती है ऑफ मेन्स आंसर्स, सो इसी तरीके से हम लाते रहेंगे और वीडियोस, तो आप देखते रहिए आंसरकारी। थैंक यू सो मच।